तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था एक कंपैरिजन वीडियो लाने के लिए बोट रॉकर्स 450 और 550 के बीच में। दोनों ही हेडफोन्स काफी ज्यादा अमेजिंग है और एक दूसरे को बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन दे देते हैं। आज इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा लेना चाहिए। दोनों ही हेडफोन्स की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन दोनों ही हेडफोन्स को क्रोमा की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। वहां पर अभी रिसेंट गणपति फेस्ट भी चल रहा है जिसके दौरान आपको ये हेडफोन्स काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। वहां पर आपको मल्टीपल कार्ड्स के थ्रू आपको और भी ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों ही हेडफोन्स आपको मैट प्रीमियम फिनिश में देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सॉफ्ट कुशन देखने को मिल जाता है हेड के साइड पे भी, और यहाँ पर आपको जो ईयर कुशन है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है इनके ऑन ईयर डिजाइन एंड ओवर द ईयर डिजाइन में। यहाँ पर आपको रॉकर्स 550 में ओवर द ईयर डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है आपको अगर लॉन्ग टाइम यूज करना है तो भी, और यहाँ पर 450 में आपको ऑन ईयर डिजाइन देखने को मिल जाता है जो कि डे टू डे लाइफ में इसे यूज करना काफी ज्यादा इजी बना देता है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों ही हेडफोन्स की कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको 550 में देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0 जो कि इसे बहुत ज्यादा सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर बोट रॉकर्स 450 के आपका जो प्रीवियस वर्जन था उसमें आपको 4.2 देखने को मिलता था, और यहाँ पर ये वाला जो है वेरियंट वो है ब्लूटूथ 5.0 वाला। दोनों ही हेडफोन्स में आपको ऑक्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर दोनों ही हेडफोन्स की बैटरी डाउन होती है तो आप इसे ऑक्स के थ्रू भी यूज कर सकते हो। दोनों ही हेडफोन्स की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है बोट रॉकर्स 550 में, और ये एक्चुअल में आपको कुछ 2 से 3 घंटे कम दे देगा उससे, बट ओवरऑल ये काफी ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 450 की तो आपको एक्चुअल यूजेज पे 13 से 14 घंटे का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोनों ही हेडफोन्स में जो बटन का प्लेसमेंट है काफी अच्छी तरह से किया हुआ है, आपको थोड़े टाइम में बटन की प्लेसमेंट की आदत हो जाएगी और आपको बिना देखे ही पता चल जाएगा कि कौन सा बटन आप प्रेस कर रहे हो। तो इसे काफी ज्यादा अर्गोनॉमिकली डिजाइन किया हुआ है। और दोनों की माइक की क्वालिटी की बात करूं तो आप दोनों ही सुन लीजिए। तो अभी जो है आवाज सुन रहे हो डायरेक्टली आ रही है इस बोट रॉकर्स 450 के इनबिल्ट माइक्रोफोन से। जो है आवाज सुन रहे हो डायरेक्टली आ रही है इस बोट रॉकर्स 550 के इनबिल्ट माइक्रोफोन से। तो आप बता दीजिए इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। और अगर आप कोई हेडफोन देख रहे हो गेमिंग के लिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 550, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी लेटेंसी कम देखने को मिल जाती है 450 से, और यहाँ पर आपको इसमें बेटर साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है ओवर द ईयर डिजाइन की वजह से। और आप में से मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि जिम के लिए कौन से हेडफोन्स अच्छे रहेंगे, तो मैं उसके लिए रेकमेंड करूंगा 450 को, क्योंकि ये ज्यादा लाइट वेट है और अगर आप 550 को जिम में लेके जाते हो तो थोड़े से बल्की हो जाते हैं और इससे आपको वर्कआउट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे दोनों ही हेडफोन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। अगर आपको एक लाइट वेट और आपको इजी टू कैरी हेडफोन चाहिए तो आप 450 के लिए जा सकते हो। साउंड क्वालिटी इसमें आपको अच्छी सी देखने को मिल जाएगी, 40mm के आपको ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें, और यहाँ पर आपको 550 में 50mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों का ही साउंड एक्सपीरियंस अच्छा है, बेस काफी अच्छा है एंड बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ है इनके क्लैरिटी को। और कंपेयर करूं तो यहाँ पर 550 की साउंड क्वालिटी बेटर है थोड़ी 450 से, और यहाँ पर जो बेस है आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली आकर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई काफी जल्दी से दे दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं ऋषभ ग्रोवर और आप देख रहे हैं अनबॉक्स एनर्जी।